देख बेटा, शहर के लड़की आ रहलो तोरा देखे ले, समझनी? एकदम हाई फाई लड़की हो, ओकरा जितना भी हो ने एकदम बढ़ा चढ़ा के बोलिया। ने तू हल्का बोलमी तो तोरा हल्के में ले लेतो, शादी ब्याह ऐसी हो नहीं रहलो। जितना बात तू बोलतो ओकर दुगुना तू बढ़ा के बोलिया, ठीक हो? सब बढ़ा चढ़ा के बोलो भाजी। एकदम बढ़ा चढ़ा के बोलिया। प्रणाम प्रणाम। आने में कोई दिक्कत नहीं हुआ? बहुत लेट कर दिए। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुआ। खड़े का है, बैठिए, आइए। हाँ, बैठते हैं। बाबू साहेब, इतना दूर से आए, थक गए होंगे, तो कोची चाय पानी नाश्ता कोची मंगावे? चाय नाश्ता सब करके आए, वो सब कोई जरूरत नहीं है, जो काम है वो आगे बढ़ाइए बस। ठीक है, तो बेटवा को बुलाते हैं, वो तैयार हो रहा है, हम तुरंत बुला लेते हैं अभी। हाँ बुलाइए बुलाइए, थोड़ा जल्दी बुलाइए, समय कम है। बेटा भोला रेडी हो गया, जल्दी आओ। बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। पढ़ल लिखल के है सब पहचान है, तुमको क्या समझाए थे? समझबे न करेंगी तू तब। प्रणाम करे पड़ते की पापा? तो कर्म ही ना है, कर जल्दी। यू 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 बस बस रहने दीजिए, बहुत हुआ। प्रणाम। पहले पहले था ना, इसलिए गिर गया, संभाल लेते हैं। कोई बात नहीं होता है। खड़े का है, आइए बैठिए। बाबू जी हम खटिया पर ना बैठो, हम कुर्सी पर बैठो। तो लाओ ये कुर्सी बेटा। ना बाबू जी, आप रुके, हम लाते हैं। तो हमसे कुछ पूछिएगा नहीं? हम बहुत टैलेंट लड़का अपना गांव के। वो तो आपको देख के ही पता चल रहा है, आप कितने टैलेंटेड हो, वो तो जानेंगे। हाँ पूछिए, जल्दी जल्दी पूछिए। हाँ तो आपका नाम क्या हुआ? मेरा ना, से मेरा नाम भोला कुमार हुआ है। ओह नाइस नेम। से आप कुछ नहीं पूछिएगा? लगता है थोड़ा कम पढ़े लिखे हुए। पहले वहाँ से निपटिए ना, जो पूछेगी वही पूछेगी। अच्छा, लगता है कि आपसे ज्यादा पढ़े लिखे यही है, इन्हीं से पूछते, पूछिए आप। अच्छा आप बताइए, आप कितने तक पढ़े हैं? बाबू जी बोले थे कि सब चीज बढ़ा चढ़ा के बोलना, कहीं फिर गड़बड़ा नहीं, सब कुछ बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे। हाँ बहुत पढ़े लिखे हैं, BA CA सब पढ़ ले। अच्छा ठीक है, वेरी गुड, बट काम धंधा कुछ आप जानते हैं? हाँ हम बहुत काम जानते हैं। वैसे क्या क्या जानते हैं आप, हमें भी बताइए। धरती से लेके चंद्रमा तक, पूरब से लेके पश्चिम तक, हम सब जानते हैं। जहाँ से आप उठा के पूछिए सब बता देंगे। वैसे आप घरेलू काम भी जानते होंगे, कुछ जानते हैं क्या? हाँ हम बहुत कुछ जानते हैं, घर के काम हम ही तो करते हैं। वैसे आप रेसिपी में क्या क्या बना लेते हैं? हाँ दाल बना लेते हैं, साग बना लेते हैं, भात बना लेते हैं, और चोखा बड़ी नीमन बनाते हैं। हाँ भाजी कल जो चोखो बनी भी हो, कैसन बनी भी हो बताई हो, चाचा चाक 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 खा रहा नहीं ली। हे भगवान, अल्लाह जो ही लगा चौपट कर देते, फिर भगा देते लड़कियाँ का। वैसे आप चोखा तो बना लेते हैं, बट अगर समझिए आपको 5 लोगों के लिए चोखे बनाने हैं, उसमें आपको आलू कितने लगेंगे एवं नमक और मिर्च कितना डालेंगे? एक के बाद में सब कुछ पूछ लिया है। अच्छा हम भी सब कुछ एक एक खबर बता देते हैं। 5 किलो आलुआ लग जाएंगे, और 3 किलो मिर्चा, और 2 किलो नमक डाल देंगे। हाँ तो मिस्टर, हम जानवर के खाने की बात नहीं किए, इंसानों के खाने की बात किए। हम भी तो आदमियों के बारे में बताएं कि आदमियों के खाने के लिए बनाए हैं, जानवर के थोड़ी देते हैं। हाँ तो ठीक है, आपको जितना मर्जी उतने नमक डाल के खिलाते रहिए, हम चलते हैं। अच्छा खाने पीने वाला छोड़िए, हम पसंद आ गए ना आपको? नो, मुझे शादी वादी नहीं करनी। बजियो लड़कियाँ तो नहीं बोल दिल समझाई ना, सब तो चौपट कर देनी रही, ये बढ़वे कालियों से नहीं बढ़ाई नहीं, नीम का मर्चे ये बढ़ा देनी तो तोरा शादी करते। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, और कमेंट्स करना ना भूलें, और लाइक तो जरूर करें।